हम लोग दया के पात्र नहीं बनते, हम कुपात्र हैं। समझाया है संतों ने, प्रार्थना तो की है भक्त ने, भगवान के चरण में दया करो प्रभु। संतों ने समझाया है कि सर्दियों के दिन हैं, परिवार के 8-10 लोग जो हैं बाहर बैठे हैं, धूप में धूप सेक रहे हैं, अच्छी लगती है सर्दियों में धूप निकली हो तो अच्छी लगती है। उनके घर का एक सदस्य पिछली कोठड़ी में बैठा हुआ है, उसको कहते भाई आप तू भी धूप में बैठे, नहीं मैं यहीं बैठू। अब वो अंधेर कोठड़ी में अगर बैठा है, इसमें सूर्य देव क्या करें, अंधेरी कोठड़ी में जाएंगे, उसको ही आना पड़ेगा। इसी प्रकार दया भी भगवान की है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। खाली हम पात्र नहीं बने। पात्र कैसे बनेंगे, जब हम विषय वासनाओं का त्याग करेंगे। बस विषय वासनाएं त्याग हो गई तो समझो सब ठीक हो गया। विषय वासनाएं जो है यही यहीं से सारी बुराइयां शुरू होती, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर मोह, फिर लोभ लालच, फिर अहंकार। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है।